एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स मतलब ये जो है 64, 144, ये दिए हैं 5 क्वेश्चंस विदाउट एनी कैलकुलेशंस। हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ और विदाउट कैलकुलेशन। तो जैसे इस बताना स्क्वेयर रूट 64 का डिजिट्स कितनी आएगी, इसके कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट, इसके स्क्वेयर रूट में डिजिट्स कितनी यहाँ पे आएगी जो इसका आंसर निकलेगा। तो जैसे ये तो एक छोटा है, मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर निकाल, जैसे 8 निकलेगा, ये तो सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंगल डिजिट। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका जो मेथड रहेगी वो सिंगल डिजिट, ये आंसर है, ये तो हमने बताया। अब यहाँ पर जो है कि इसमें कितने टोटल डिजिट्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या लिखेंगे, यहाँ से द नंबर ऑफ, यहाँ से द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ 64 ऐसा लिखेंगे यहाँ से। तो इतना आंसर लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखेंगे कि द, यहाँ क्वेश्चन में दिया हमें, यहाँ से फाइंड से द लिख दीजिए, तो द यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ 64 इज 1। सिंगल डिजिट आई तो हमने क्या लिख दिया, 1। अब सिमिलरली यहाँ पर हम इसको ऐसा भी बता सकते थे कि 2 डिजिट है, तो इसको हम ऐसा भी बता सकते हैं, इसके फार्मूले से एक फार्मूला होता है कि 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे n बाय 2 फार्मूला होता है, n बाय 2, तो n कितना है 1, 2, तो यहाँ पे लिखिएगा 2, 2 बाय 2 मतलब 1, इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं हम। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में कितना निकालना हमें कि जो आंसर में डिजिट्स कितनी रहेगी, तो 144 दिया है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ 144 इज, तो यहाँ से लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो देखो यहाँ पे कितना है, ये जो लिखेंगे n बाय 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n बाय, यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितनी 1, 2, 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिया है, यहाँ पर सिंस लिखेंगे कि n इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, ये 1, 2, 3, तो 3, तो फार्मूला होता है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, चलो पूरा लिख देते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ 144 इज कितनी हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्व करके बता यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये इसको लिखेंगे कि अगर ये ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या था, इवन नंबर था, यहाँ पे एन क्या था, यहाँ पे 2 था, और 2 कितना है, ये n की वैल्यू यहाँ पे अपने पास नीचे लिख देते हैं, सिंस n हमारे पास में कितना था 2, और 2 क्या है इवन था, तो इवन के लिए फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, सिंस क्या है n हमारे पास में क्या है 3, और 3 क्या ऑड है, तो ऑड के लिए फार्मूला कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, ये तो n कितना है 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 कितना 4 अपॉन 2, ये तो कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डिजिट्स, ये हमने कैलकुलेशन करके बता दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर थर्ड के लिए बता देते हैं, ये तो थर्ड में कितना हो जाएगा, ये थर्ड कितना दिया हमें, क्वेश्चन क्या दिया है 4489, ये तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे कि 4489 में 1, 2, 3, 4, तो ये इसके जैसे हो जाएगा, ये इसमें ये फार्मूला लगेगा n बाय 2 वाला, ये तो इस तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका जो है n इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, और n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 क्या है इवन नंबर है, इवन है, इसलिए कितना हो जाएगा ये फार्मूला, ये द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ, ये लिख देते हैं द नंबर, बस लैंग्वेज लिखना है क्वेश्चन में, दिए भाई नंबर ऑफ डिजिट्स सभी को आ जाएगी, डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ 4489, ये क्या दिया हमें 4489, तो लिख देते हैं 4489 इज़ कितनी यहाँ पे दी हमें,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन कितना दिया हमें, ये ई वन, ई वन मतलब एन बाई टू, एन बाई टू मीन्स कितना हो जाएगा, ये फोर है, फोर बाय टू, फोर वन जेड वन, ये टू, तो यहाँ पे टू डिजिट्स हो जाएगी इस प्रकार से। अब फोर्थ हमें दिया है, फोर्थ में क्या है, हम फोर्थ ये फोर्थ में क्या दिया है, ये टू सेवन टू टू फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो सिंस यहाँ पे लिख देते हैं एन, एन की वैल्यू कितनी दी हमारे पास में, एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है फाइव, ये तो फाइव क्या हो जाएगा, ऑड है, ऑड। अब लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ये मैंने आप शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों, फाइनली लैंग्वेज मैंने तीन क्वेश्चन में बता दी, अब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा, जो डिजिट्स हो जाएगी शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो डिजिट्स कितनी हो जाएगी, डिजिट्स हो जाएगी ये शॉर्ट करके कि एन प्लस वन अपॉन टू, ये तो एन प्लस वन मतलब फाइव प्लस वन, ये फाइव प्लस वन टू, तो फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन टू, तो सिक्स अपॉन टू मतलब थ्री डिजिट्स रहेगी आंसर में, ये थ्री डिजिट्स यहाँ लिख देते हो। चलो डिजिट्स एक बार बता देता हूँ, डिजिट्स ये। और फिफ्थ भी बताए तो मैं, फिफ्थ में भी कितना है, फिफ्थ में कितना दिया है, ये फिफ्थ में दिया ये व डिजिट्स कितनी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ पे दिए, तो सिक्स डिजिट्स। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे फिफ्थ वाले में, एन कितना हमारे पास में दिया है, सिक्स दिया है, ये सिक्स जब दिया है तो डिजिट्स कितनी हो जाएगी, तो सिक्स के लिए क्या लगा देंगे हम, ये डिजिट्स लिख देते हैं, डिजिट्स कितनी हो जाएगी एन बाय टू, और एन कितना है, ये सिक्स इवन है, तो इवन के लिए फार्मूला क्या लगता है, सिक्स एन है तो एन बाय टू लग जाता है, सिक्स बाय टू, तो ये थ्री डिजिट्स आंसर में, ये इस प्रकार से। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, अगर जैसे इतना कैलकुलेशन नहीं करना हो, डायट बताना हो, तो डायट बताने के लिए क्या करेंगे आप, देखो क्वेश्चन जो आपने दिया है ये, तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलो इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम ऐसा बता सकते हैं, यहाँ पे टू एक पेयर बन रहा है तो ये आ जाएगा, पेयर बन रहा है तो ये इसकी वन आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, टू टू के पेयर बन रहे, तो वन और एक सिंगल डिजिट बन गया तो इसमें टू, तो इसका डिजिट्स कितनी आ जाएगा, इसमें टू आंसर आ जाएगा। इसमें कितना है, ये टू पेयर बन रहे हैं वन और टू, तो इसमें भी टू, इसका टू स्क्वायर रूट के डिजिट्स में कितने डिजिट्स रहेगी, टू रहेगी, यहाँ पर भी वन टू और एक बच गया, ये थ्री, तो ये थ्री, वन टू थ्री, इधर से पीछे से टू टू की पेयर्स बना है ये, तो इसमें इसमें कितने डिजिट्स है, वन, इसमें कितने टू, इसमें कितने टू, इसमें कितनी है थ्री, इसमें थ्री, देखिए इस प्रकार से हमारे कैलकुलेशन में भी यही आ रहा है, ये सभी का देखें, ये सभी के देख लीजिए आप, फाइनल जो कैलकुलेशन हमारा निकला कि फर्स्ट में कितने डिजिट्स है, वन, सेकेंड में कितने डिजिट्स, टू है, ये टू, थर्ड में कितनी है, टू डिजिट्स, ये निकाली वन टू, टू डिजिट्स, उसके बाद में फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ में कितने डिजिट्स है, ये थ्री डिजिट्स है, तो कितने हम वन टू और थ्री, और ये फिफ्थ में भी, ये फिफ्थ में कितनी है वो हमने कैलकुलेट करी, वन टू और थ्री, तो ये फिफ्थ में भी देख लीजिए, फिफ्थ में जो कैलकुलेट करी हमने कितनी करी है, थ्री, ये तो इस प्रकार से देखिए आप, पूरा क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको, इसका सॉल्यूशन नीचे आपको पूरा क्लियर बता दिया है।